वेलकम टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। और जो नए जुड़े उनके लिए मैं बता दूँ, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है NTPC CBT 2, किसी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको करने वाले हैं। और हम कैसे करने वाले मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे अगर GS का कोई टॉपिक आ गया, मान लो जैसे हमारे लास्ट पेपर में भी ये टॉपिक आए थे, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर जो सोल्व करवाते हैं, लगभग लगभग 18 वीडियो आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे लेक्चर्स बाय अंकुर यादव की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, हमें टॉपिक मिल रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी का टॉपिक मिल गया, मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक, प्रेजिडेंट का मिल गया था टॉपिक, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आया था प्रेजिडेंट का, तो हमने पूरा डिटेल में प्रेजिडेंट को पढ़ लिया था। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा 80% जो सिलेबस है वो पेपर से ही सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, GS का तो टॉपिक ले रहे हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पूरा कवर कर रहे हैं। जैसे इसरो का टॉपिक आया था, तो मैंने सारे जो मिशन लॉन्च होने वाले रिसेंट में, गगनयान जो भी मिशन थे, तो वो सारे मैंने बताए थे, ठीक है। तो ऐसे हम GS करने वाले। और उसमें जैसे आप, मैं बता दूं, जैसे क्वेश्चन ही दिखा दूं, जैसे मैथ का क्वेश्चन भी है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप पेन कॉपी ले लीजिए। और जैसे ये मान लो GS का क्वेश्चन है, तो क्रॉप का क्वेश्चन है, तो आप पूरी क्रॉप देखने वाले, राइस वगैरह के बारे में सब कुछ, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है देश में और वर्ल्ड में, तो ऐसे देखते देखते सारे करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से पेन कॉपी ले आओ और शेयर कर दो वीडियो को, और एक बार लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। पहले शेयर कर दो एक बार, ठीक है। अपने क्वेश्चन ट्राई करना है आपको वीडियो पॉज करके, क्योंकि स्पीड रहेगी वीडियो में। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है, तो आपकी स्पीड रहेगी, आप मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और GS का टॉपिक आपको समझ में आएगा, GS का टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं बीच में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखना। और क्वेश्चन ये सोल्व करना आपको खुद वीडियो पॉज करके करो, या मेरे साथ साथ करते रहो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन वॉक्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है 600 मीटर और किसे 5 मिनट में कवर करता है, तो इसको कवर, इस स्पीड को किस मिनट कवर करना है, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर में। देखो अगर आपको पता है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब इसको देखो उसमें करना है, SI यूनिट में करना है, तो देखो किलोमीटर का तो आपको पता ही होगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो पहले इसको कर लो मीटर में, ठीक है, ये मीटर में है, इसको सेकंड में कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और चाहिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। या आपको पता नहीं है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना आपको पता नहीं है, तो आप सिंपल जैसे 600 को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, और 5 को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 36/5 कितना होता है, 7.2 किलोमीटर पर आवर। दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब मीटर पर, ये बस याद रखो, अगर ये याद रखना है तो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब किलोमीटर पर आवर में आंसर आता है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 4th। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ क्या दे रखा है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहाँ से अपनी किसी फिगर बना लीजिए, जो भी फिगर बन रही है, जो भी डाटा बन रहा है, और उसके बाद आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, तो इन एक क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना है पीछे उसके डाटा के बेस पे, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको आपको भी ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ही ट्राई कीजिए, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैंने खुद से ऐड की है, तो इंपॉर्टेंट है, करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे रखा है। 150 पीपल फ्रॉम ए लोकेलिटी कम्युनिटी डेली फॉर वर्क, ये कह रहा है 150 व्यक्ति कैसे काम के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या दे रखा है, आउट ऑफ 25 ट्रेवल ओनली बस, तो बस से कितने बंदे ट्रेवल करते हैं, कितने दे रखे, 25 ओनली बस लिख रखा है, तो ओनली देख ले, ओनली फ्रॉम बस, ठीक है। फिर और क्या दे रखा है, 40 किससे ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से, ओनली ट्रेन से कितने ट्रेवल करते हैं, 40 बंदे, ठीक है। 20 किससे ट्रेवल करते हैं, टैक्सी से और ट्रेन से, टैक्सी भाई टैक्सी में जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रेन लेते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 20, मतलब बच्चे तो क्या, वर्कर जो भी वर्क करने जा रहे हैं। तो 30 क्या है, ओनली प्राइवेट कार, तो प्राइवेट कार से कितने ट्रैवल कर रहे हैं, कितने दे रहे हैं, 30, और क्या दे रखा है, 25 टेक्स बस एंड टैक्सी, बस प्लस में टैक्सी कितने हैं, 25, एंड जो रिमेनिंग जो भी बच गए वो क्या करते हैं, ओनली टैक्सी लेते हैं। तो ये डाटा दे रखा आपका ओवरऑल,
ठीक है, ये 10 आएगा, कैसे आएगा देखिए मैं बता दूं, दे नहीं रखा किसी, मैंने निकाला है, कैसे निकाला है देखिए मैं बताता हूँ। तो ओनली टैक्सी कैसे निकालोगे, अगर पूछ ले ओनली टैक्सी निकालने, कितने ओनली टैक्सी, तो भाई सारों को ऐड कर लो, ये 20 देखो, 60, 60 प्लस में ये 25 और 25 50 कितने हो गए 110, 110 प्लस में ओनली ये किसी कार वाले, प्राइवेट कार वाले 30, 140, 140 और टोटल कितने हैं 150, तो 10 कितने आ गए ओनली टैक्सी वाले। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन, ये तो हो गया डाटा, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का पूछ रखा है परसेंटेज। तो एक मोड का मतलब क्या, क्या तो सिर्फ बस से, क्या टैक्सी से, ये वाले क्या तो बस से क्या टैक्सी से, ये दो चीजें लेते हैं रास्ते में, तो ये नहीं, ओनली प्राइवेट कार आ गए, ओनली टैक्सी आ गए, तो टोटल कितने हो गए ये 40, 65, 65 और ये 95, 95 प्लस में 10, ये कितने हो गए 95 प्लस में 10 105, 105 आ गया। ठीक है, वैसे इसको निकालने के लिए इतना टोटल करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको करना कैसे था। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन होता सिंपल, तो क्या करना था, ओनली का पूछ रखा ना, तो आपको तो देखो ओनली का ये डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करो डबल का देख लो, डबल का क्या है 20 और 25, तो 45 हो गया, 45 को घटा दो 150 में से, तो 105 आ गया ना ओनली का, तो सीधा सब वैसे कर लेते तो 105 आ जाता और टोटल कितने 150, और ये हो जाएगी आपकी परसेंटेज निकाल दोगे, तो कितना हो जाएगा 0 0 कट के 5 7 और ये कितना हो गया 70, तो 70 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, खुद से आंसर दीजिए जल्दी कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फूड क्रॉप, इनमें से फूड क्रॉप कौन सी नहीं है। देखिए आपको पता होगा कॉफी है, वो हम ड्रिंक करते हैं फूड के टाइप में आ गए, ऑयल सीड भी आ गया फूड टाइप में आ गया, शुगर केन भी हो गया, और फाइबर वगैरह क्या होते हैं ये टेक्सटाइल वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हम किसी जो कपड़े वगैरह बनते हैं तो उस टाइप में फाइबर यूज होते हैं, तो उस टाइप में आ गया। तो आज मैंने बताया था हम क्रॉप का देखने वाले पूरा सब कुछ, सब क्रॉप का कहां कहां से कौन से स्टेट में, अब जल्दी जल्दी से बताते रहिए मेरे साथ। तो आपको बताना कि कौन से ये किसी फर्स्ट भाई, जैसे राइस है ये कौन से देश कंट्री में फर्स्ट पे है। ठीक है, वर्ल्ड में और इंडिया में, इंडिया में स्टेट बताना कौन सा स्टेट है। तो राइस आपका ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइस आपका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है चाइना में, प्रोडक्शन चाइना में। इंडिया में राइस सबसे ज्यादा कहां मिलता है वेस्ट बंगाल में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं WB, वेस्ट बंगाल में। और जो आपका वीट गेहूं, गेहूं कहां पे मिलता है चाइना में, सबसे ज्यादा चाइना में। और किसी वीट वैसे इंडिया में यूपी में। ठीक है, मेज किसी बाजरा कहां मिलता है वैसे अमेरिका में, ये याद रखना ये थोड़ा सा अलग है अमेरिका और किसी, और यहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा मेज कहां पे है कर्नाटका में। ठीक है, पल्सिस आपकी दालें सबसे ज्यादा कहां पे है, ये आपका कहां आएगा पल्सिस का इंडिया में, ये पूछ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है पल्सिस कहां पे, और अपने स्टेट वाइज MP में। पीनट्स मूंगफली जो भी पीनट्स वगैरह होते हैं वो कहां पे होती है गुजरात के अंदर होते हैं सबसे, ये तो सबको पता होगा गुजरात का। और वैसे कैसे पीनट्स कहां पे होती है चाइना, चाइना का पता ही, अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा तो आपको वर्ल्ड में तो आपको पता है चाइना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। और शुगर केन कौन, शुगर केन कहां पे होती है सबसे ज्यादा, शुगर केन बताइए कहां पे होती है ब्राजील में। ठीक है, और किसी ब्राजील में और इंडिया में शुगर केन कहां पे होती है यूपी में, सबको पता होगा ये। ओपन जो आलू होता है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है इंडिया में, तो यूपी में होता है सबको पता होगा। और पोटैटो वैसे चाइना। ठीक है, ओनियन वाइज ये भी क्या आएगा ओनियन वाइज, जल्दी बताइए ओनियन क्या होगा चाइना का। ठीक है, और जो इंडिया में कहां पे ओनियन सबसे ज्यादा होता है बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में बताइए ओनियन का, आप पे छोड़ता हूं मैं जल्दी, 5 सेकंड आपके पास, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ कहां पे है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो पूरा देख लेना महाराष्ट्र है। ठीक है, और चाय कहां पे है सबसे ज्यादा, ये सबको पता होगा ब्रिटिश चाइना, चाइना से चाय लेके आए थे, और अपने यहां पे कहां होती है असम में। और सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पे होता है जल्दी से बताइए वर्ल्ड में, बताइए कमेंट कीजिए जल्दी से, 5 सेकंड आपके पास, कहां पे सोयाबीन कहां पे, मैं बताता हूं अमेरिका में। और इंडिया में बताइए जल्दी से, 5 सेकंड आपके पास, सोयाबीन कहां पे सबसे ज्यादा इंडिया में, जल्दी आंसर दीजिए।
एमपी के अंदर, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या बच गया। देखिए जूट कहां पे सबसे ज्यादा होती है, ये सबको पता होगा, इंडिया में, और वैसे अपने स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल में। और तंबाकू आप बताइए, इंडिया में तंबाकू सबसे ज्यादा कहां पे होता है, इंडिया में और वर्ल्ड में, जल्दी से बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। वही अपना चाइना में, और इंडिया में कहां पे होता है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं है ये, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और अगला देखिए, एग भी आंध्र प्रदेश में होते हैं, प्रोडक्शन एग का भी आंध्र प्रदेश में होता है। नेचुरल रबर ये कहां पे होता है सबसे ज्यादा अपना वर्ल्ड में, बताइए, थाईलैंड, सही है। और इंडिया में जल्दी से बताइए, नेचुरल रबर जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, नेचुरल रबर जल्दी से कमेंट कीजिए कहां पे होता है सबसे ज्यादा इंडिया में। तो क्या आंसर आएगा, केरला। अगला देखिए, जल्दी से बताइए, कॉफी कहां पे होती है वर्ल्ड में, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कॉफी कहां पे होती है, सबको पता होना चाहिए कहां पे होती है, ब्राजील में। और इंडिया में बताइए जल्दी से, 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से बताइए, कॉफी इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे होती है। चलिए मैं बताता हूं, कर्नाटका में, ठीक है। सनफ्लावर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे होता है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, सनफ्लावर का ये सबसे हार्ड हो सकता है ये बच्चों के लिए, बहुत कम बच्चों को पता होगा सनफ्लावर का, जल्दी से बताइए। और तो मोस्टली सबको याद होते हैं, ये शायद कंफ्यूज होंगे काफी बच्चे। चलिए मैं बताता हूँ, सनफ्लावर कहाँ पे होता है, यूक्रेन के अंदर। और इंडिया में बताया तो बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी से, सनफ्लावर बताना आपको कहाँ पे होता है इंडिया में, कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में, बताइए जल्दी। चलिए मैं बताता हूँ, कर्नाटका में। अगला देखिए, ज्वार ये कौन से कंट्री में होता है सबसे ज्यादा, अमेरिका में। और इंडिया में कहां पे होता है सबसे ज्यादा, कर्नाटका में। अगला बताइए, कॉटन ये तो सबको पता होगा, कॉटन कहां पे होता है सबसे ज्यादा, चाइना में ही। और इंडिया में कहां पे होता है कॉटन, जल्दी बताइए, गुजरात के अंदर। पल्सिस का आ चुका है शायद, है ना, पल्सिस का आपने क्या बताया था, जल्दी से दोबारा रिपीट कर दीजिए, पल्सिस का कहां पे होता है अपना ही इंडिया। इंडिया से कौन कौन से है, जूट, पल्सिस, और अगला क्या है, मिल्क भी इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। और पल्सिस कहां पे होती है सबसे ज्यादा, एमपी के अंदर। और दूध कहां पे होता है, यूपी के अंदर, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा आई होप, किसी से सारे नोट कर लीजिए आपके नोट्स में, अगर नोट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो, अगर आपको ये डाटा अच्छा लग रहा है और वीडियो पसंद आ रही है, तो अभी एक बार वीडियो को पॉज करके लाइक करिए, ठीक है। और एक चीज और ऐड कर दूं मैं, काफी किसी बच्चों ऐड भी हो चुके उस ग्रुप में, हमने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मतलब हम क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट देते हैं बच्चे, तो आपस में कंपटीशन होता है, तो स्कोर भी शेयर करते रहते हैं और क्विज भी शेयर करते रहते हैं कि भाई ये क्विज करनी आज ये, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनी रहती है पेपर वगैरह की। तो अगर आपको उस ग्रुप में जुड़ना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 9560103627 पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पे, आप मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ये आपने देख लिया होगा, आप देखते हैं ये क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है, मैं टाइम देता हूँ 10 सेकंड, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9, 14। मतलब अगर इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो मतलब इनके एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर ले लो 14 को, तो ये क्या होता है 2, 7। अब इसके बाद देख लो अगला क्या है, 9, 9, हमारे इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, 3, 3 कोई भी कॉमन नहीं है, तो पूरा पूरा 9 ही लेना पड़ेगा, 9। अगले में क्या है 4, तो 4 में 2 तो है, 2 और ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया 63, 4 जा 64, 6 24 और 12, 252 क्या आ जाएगा आपका,
एलसीएम, तो एलसीएम तो आ गया 252। अब इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो इसका मल्टीपल कौन सा होगा जो कैसे स्क्वेयर हो, लिस्ट स्क्वेयर भी हो, तो स्क्वेयर कौन सा है इसमें से, सिर्फ एक ही है 764, और यही इसका मल्टीपल हो जाएगा। भाई सात पे जा रहा है ना ये, तो यही आंसर आपका ये हो जाएगा 764। ये शायद एक ही स्क्वेयर ही था और शायद स्क्वेयर ही नहीं है, चलिए देख लीजिए, वैसे भी निकाल सकते हैं आंसर, पर मैंने बता दिया तरीका कैसे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ संस्कृत फेज सत्यमेव जयते, कहां से लिया गया है। चलिए मैं बताता हूं इसका कहां से लिया गया है, मुंडका उपन्यास में, और मुंडका उपन्यास कहां से लिया गया है, किसके अंदर आता है, आपको पता हो चार वेद है, उनमें से एक वेद है अर्थ अथर्ववेद, इंग्लिश में लिखे तो ATHARVA वेद, ठीक है, यहां से लिया गया है। और अगम लिटरेचर तो आपको पता ही होगा किससे रिलेटेड, अगम लिटरेचर ये किससे रिलेटेड बताइए जल्दी से, कौन से धर्म से रिलेटेड है, जैनिज्म, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज में अगम लिटरेचर, ये भी पूछ लेते हैं काफी बार, कौन से किसे उसमें है, लैंग्वेज से में, प्रकृत लैंग्वेज में, इस भाषा में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में त्रिपिट का, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपिट का काफी बार पूछ लेते हैं, आपको पता होगा तीन पिट का थे, किससे, बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, तो ये किसे, इसके बारे में आज देखते हैं अगली स्लाइड में, हम देखते हैं अच्छे डिटेल में त्रिपिट का के बारे में। बाइबल का आपको पता होगा क्रिश्चियन से रिलेटेड है, ठीक है, अगली स्लाइड में आइए, जल्दी से देखिए त्रिपिट का के बारे में, ठीक है। त्रिपिट का क्या है, द त्रिपिट का इज द ट्रेडिशनल टर्म फॉर बुद्धिज्म स्क्रिप्चर, ठीक है, बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड, ये याद रखना। और क्या दे रखा है, आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा हिज टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसिप्लिन्स एज ए काउंसलर, जो बुद्धा की डेथ के बाद क्या दे रखा है, बुद्धा की जो डेथ के बाद है, जो इनके शिक्षक थे, ठीक है, इनके फॉलोअर थे, उन्होंने इसको कंपाइल किया था, ठीक है, जो बुद्धा की टीचिंग थी, और ये इसके बारे में दे रखा है। और पिटका का मतलब जो क्या है ना, पिटका लास्ट में लिख रखा है, ठीक है, पिटका इसका मतलब क्या होता है, बास्केट, ठीक है, और हिंदी में देखे तो ग्रंथों का संकलन, ठीक है। और तीन पिटका है जो कि हमारे पेपर में पूछ लेते हैं, पहली पिटका क्या है, विनाया पिटका, ठीक है, दूसरी क्या है, सूता पिटका, और तीसरे क्या है, हबी धम्मा पिटका, ठीक है, ये तीनों आपको नाम याद होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और ये किससे रिलेटेड, ये भी पता होना चाहिए आपको किससे रिलेटेड है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, विनय पिटका के अंदर क्या इंक्लूड किया है, रूल्स और रेगुलेशन, मतलब नियम कानून किसके लिए, मतलब अगर मॉक बनना है, ठीक है, तो क्या आपको क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, वो किसके अंदर ऐड किया गया, विनय का में, ठीक है। और अगला कौन से पिटका है, सूत पिटका, इसके अंदर क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं शामिल, मतलब किसे इंक्लूड, बुद्धिज्म, बुद्ध के टीचिंग जो भी दी थी उन्होंने, उस वो किसको इंक्लूड किया गया था, सूता पिटका में। और अगला कौन सा है, हबी धम्मन पिटका, इसको इसमें क्या है, फिलोसफी वगैरह है, ठीक है उनकी। और एक और चीज याद रखिए, ये जो विनय पिटका थी, इनके राइटर कौन थे, जो शिक्षक बताया था ना कि मतलब उनके जो डिसिप्लिन थे, जो उनके शिक्षक थे, तो फॉलोवर उनने ही लिखा था, एक फॉलोवर थे उन्होंने लिखा था, क्या नाम था उनका, उपाली, इन्होंने विनय पिटका लिखा था, और सूत्ता किसने लिखा था, अंत ने। तो इनका ही पूछते हैं मेनली, ये याद रखें। और अभी धम्मा पिटका के बारे में याद रखें, ये जो सबसे लेट ऐड की गई थी, सबसे लेट पिटका ऐड की गई थी, और ये कौन सी है, थर्ड, ठीक है, थर्ड है। और किसी, ये कौन सी काउंसलिंग में ऐड की गई थी, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट काउंसलिंग होती थी ना, बुद्धिस्ट काउंसलिंग पूछ लेते कौन सी काउंसलिंग में ऐड की गई थी, तो थर्ड काउंसलिंग में ऐड की गई थी, और टू जो कब हुई थी, 251 BC में, 251 BC, ठीक है, जो ये बुद्धिज्म काउंसलिंग हुई थी उसमें ये थर्ड पिटका ऐड की गई थी। चलिए ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप। और वीडियो को यार आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा लाइक करें, है वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक करो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव होते, जल्दी करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ए फॉर्मूला इज MX Excel स्टार्ट्स विद ए सिंबल, ये तो आपको पता होगा, अगर आपने MX Excel पढ़ा हुआ है तो जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसमें तो
ये क्वेश्चन करिए जल्दी, मैथ का क्वेश्चन है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी मीन मोड और किसी मीडियम पूरा समझा दिया था, वो टॉपिक काफी कमजोर था बच्चों का, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। जो भी वीडियो आएंगी, काफी वीडियो आएंगी अभी तो डिटेल में करने वाले हैं, तो उसमें काफी आपके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं, जैसे पेपर में जो आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए टॉपिक, तो वो मैं डिटेल में करा रहा हूँ, आपने देखा ही होगा। तो अब जैसे क्रॉप से रिलेटेड आ गया आज, कल यूनेस्को से रिलेटेड आया था, एक आईज का टॉपिक भी आया था, उसमें सारे एरर कौन सा लेंस लगता है कौन सा, तो सारे बायो वगैरह का सारे टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं आपके, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको मदद भी मिली होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं रहेगा आपका, और कुछ छूट रहा है आपका उस टॉपिक में वो भी क्लियर हो जाएगा, और मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो हो ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, तो हम फालतू कुछ भी नहीं करा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। मीन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अगर मीन का क्वेश्चन है तो उसको एवरेज का मान के क्वेश्चन कर लीजिए। तो एवरेज दे रखा है आपको 12, तो आपको बताना के की वैल्यू इस डाटा की, अगर एवरेज की वैल्यू दे रखी है, देखिए एक बार लिख लेता हूं, 10, 8, 15, 12, 25 और इनका एवरेज कितना दे रखा है 12। तो एक चीज समझिए कि एवरेज क्या होता है ना, अगर हम भाई ये सारे बंदे हैं तो इनके पास अगर 12 12 होता, सबके पास 12 होता, तो एवरेज 12 आ जाता, मतलब सबका पूरा एवरेज सबका 12 जब ही आता ना, जबके पास सबके सबके पास 12 है, तो एक काम कीजिए सबको 12 ही देने हैं आप उनको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, सबको 12 ही देना, तो 12 के अकॉर्डिंग चलो। तो भाई इसके 12 से कितने कम है इसके पास, -2, भाई 2 की कमी है ना इसके पास, इसके पास कितनी कमी है, -4 की कमी है, इसके पास कितने ज्यादा है, +3 ज्यादा है, इसको कोई रिलेशन नहीं है, पूरा सही एकदम एक नंबर का आदमी है, 12 के 12 है इसके पास। ठीक है, और अगला क्या है 25, तो 25 के पास कितने है? +13। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको सबको 12 12 सबको इन सबका सम कितना आना, 0 ही आना चाहिए भाई, जब भी तो 12 12 होंगे सबके पास, तो ये कितना हो गया +6। ठीक है, +6 -6 तो ये हो गया, और ये प्लस में कितना आ गया, +16 आ गया, +16 आ गया ना। तो भाई हमें क्या, अगर हमें माइनस का और 10 और मिल जाए तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे ना, तो के की वैल्यू क्या होगी, माइनस मतलब 2 होगी, 2 होगी जब भी, तो यहाँ पे -10 आएगा जब भी, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10 आ जाएगा, और कैसे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, मतलब सबको 12 12 के अकॉर्डिंग चेक कर लो पहले कि 12 से कितने कम जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग देख लो कि हमारी वैल्यू जीरो बनानी सारों की सम, तो क्या करना है यहाँ पे -10 करना पड़ेगा, -10 करने के लिए के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, पर अगर बड़ा डाटा आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर जैसे सबको सम करो 10+8+15+12+k+25 और फिर भाई जितने भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी 6 नंबर है फिर इक्वल टू 12, फिर यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो काफी लंबा पड़ जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट मेथड ये सबसे आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी आंसर दीजिए। सेकंड तो बहुत ज्यादा दे दी, चलिए मैं करवाता हूँ, आसान क्वेश्चन है काफी। देखिए क्या दे रखा है, सिंपल सी सीरीज चल रही है, तो देखिए अगर इसमें प्लस करते हैं कितना डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.5, इसमें कितना डिफरेंस है, +1, इसमें डिफरेंस कितना है, +1.5 का, अगले में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4+2 कितना होता है, 6, तो 6 आ जाएगा, अगला क्या रहा है 2.5, तो यही सीधी चल रही है, 0.5 का डिफरेंस आप बढ़ता जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो समझ में आया होगा, है आसानी क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, रिप्लाई कीजिए इसका। चलिए मैं देखता हूँ क्या दे रखा है, जर्मेनियम इज ए कॉमनली यूज्ड। ठीक है, जर्मेनियम क्या है आपको सबको पता होगा, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को उसको के मेटलॉइड्स को मतलब मिक्स मत कर देना, सेमीकंडक्टर अलग है। ठीक है, जो हमारे चिप वगैरह बनती है वो किससे बनती है, सेमीकंडक्टर से बनती है, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और किसी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी सेम रखते हैं, तो उनको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, सेमीकंडक्टर के देखिए एक तो जर्मेनियम हो गया, एक चार ये एटलीस्ट याद रखिए, एक क्या होता है जर्मेनियम, एक सिलिकॉन, कौन से 14th ग्रुप पे आता है सिलिकॉन, है ना, एक है ना गैलियम, एक एस नॉइड,
तो ये एटलीस्ट चार याद रखिए जो आपके पेपर में बार बार आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों को नाम किसी सेमीकंडक्टर के ना याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका रिप्लाई दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं बताता हूँ, इन जनरल फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डज नॉट इंक्लूड द, ठीक है ये तो बहुत आसान है, ये दे रखिए। मैटर्स की तीन स्टेट होती है आपको पता, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, और कोलाइडल नहीं होता। कोलाइडल क्या होता है, जो जैसे पानी के अंदर अगर हम कुछ मान ले कुछ भी टुकड़े गिर दे, जैसे दही का कोई भी अगर पार्टिकल रहता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल मिलके जुड़ जाते हैं, तो उनको ही क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो पर जो मैटर की वो स्टेट नहीं होती, तो मैटर की तीन स्टेट होते हैं, कौन से, मेनली सॉलिड लिक्विड गैसेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको है ना पेपर में पूछता है तो वैसे पूछेगा नहीं कितनी स्टेट है मैटर की, तो तीन ही लगाना आंसर। पर जैसे कि एक और होती है वो कहते हैं लावा वगैरह टाइप की होती है, तो उसको ऐड मत कर देना चौथी स्टेट, क्योंकि दसवीं बेस क्वेश्चन पेपर होता है ना अपना। पर नहीं अगर ग्रेजुएशन बेस भी पेपर है तो वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं किसी, और आए तो आपको इसे तीन ही लगाना, क्योंकि दसवीं बेस क्वेश्चन ही माना जाता है मोस्टली पेपर में। तो दसवीं बेस क्वेश्चन है अगर पेपर दे रहे हो ग्रुप डी की, तो आपको तीन ही लगाना है। अगर किसी ग्रेजुएशन बेस है तो आप चार लगा सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मेनली आपको यही पूछा जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में कॉन्ट्रोवर्सी हो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है आपके पूछ सकते हैं कि पैरेलल लाइन होती है 24 पैरेलल लाइन, वो क्या किस किस कंट्री के बीच में, जैसे 49 पैरेलल लाइन किसके बीच में, वो किसके बीच में, ये पूछ लेते हैं कनाडा और किसके बीच में, यूएसए के बीच में, ठीक है। तो ये तो 49 पैरेलल लाइन हो गई, पर 24 का नहीं पूछते। 24 का क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते, क्योंकि ये क्या कहता है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि इंडिया और किसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पैरेलल लाइन है, जो इंडिया और पाकिस्तान को बांटती है वो 24th पैरेलल लाइन है। पर हम पाकिस्तान की बात सुन के और वो पेपर में तो पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो वो ही होता है, जैसे अब ये एक चीज हो गया, और एक चीज क्या हो गया, जैसे दुरंत लाइन है वो देखा जाए तो पीओके के साथ कनेक्ट है, भाई इस साइड पीओके है, ठीक है, इसके साथ ही अफगानिस्तान का बॉर्डर को क्या कहते हैं, दुरन लाइन कहते हैं। पर हम तो मानते हैं ना कि हमारा बॉर्डर लगता है, क्योंकि पीओके हमारा ही पार्ट है, तो हम इसको ये नहीं मान लेंगे ना कि पाकिस्तान का पार्ट है तो हमारा बॉर्डर ही नहीं लगता अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो ऐसे ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन थोड़े नहीं पूछे जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का रिप्लाई करना है आपको, जल्दी से कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी करिए रिप्लाई कीजिए आंसर, वीडियो को पोज करके आपको खुद रिप्लाई करना है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, वैसे अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ए बी सी डी उनकी किसी ये साइन उनकी वैल्यू है, मतलब ए का मतलब माइनस, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई, और ये कितना हो गया ना ये प्लस हो गया, और ये मल्टीप्लाई, और ये कितना हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, 9 प्लस में 20 सी मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड बाई सिक्स, और ए कितना हो गया -8, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो अब देखिए ये आपको पता होगा बोडोमास यूज करते हैं, तो बोडोमास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर उसके बाद ऑफ आता है, ये किसी डिवाइड पहले 16 होगा, तो डिवाइड कितना गया 2 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 40 +9 -8, तो ये कितना आ गया -1, और 41 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। If student marks were increased by 25%, he would have scored 75 in his test. How much did he actually score? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 25% कितना होता है 1/4, और क्या कह रहा है, और इसका 25% बढ़ गया, तो मतलब 4 था पहले, अब कितना हो गया 5, जब इसका 25% है, और 5 की वैल्यू कितना दे रखी 75, और स्टार्टिंग में एक्चुअल स्कोर कितना था 4, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 के 15 चौके 60, तो 60 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आप मैं खुद से वैसे मैं अगर ऐड करता तो थोड़ा अच्छा लेवल रखता, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आसान क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एटलीस्ट टाइप तो क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 169, 121, इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 13 एंड देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल इज। चलिए रिप्लाई कीजिए जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट आता है तो। चलिए मैं बताता हूं, देखिए अगर दो ट्रायंगल है,
मैं बताते हैं पूरा कॉन्सेप्ट इसका, ए बी सी, एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, जब इन सब के एंगल सेम हो, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो, बी एंगल क्यू के एंगल इक्वल हो, और ए किसी पी के और आर किसके सी के, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। जब मतलब ये क्या होता है, जैसे ये मान लो ट्रायंगल है, इसको अगर बड़ा करके इसी शेप में बड़ा करके ऐसे बना देंगे तो वो क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है, एंगल तो चेंज नहीं होते पर साइड साइड चेंज हो जाती ना, पर साइड का रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, तो वो चीज होती है। तो साइड का रेशियो हमेशा इक्वल रहता है हर साइड का, जैसे मान लें ए बी अपॉन में बी पी क्यू इक्वल टू होगा ए सी पी आर के और बी सी क्यू आर के, और ये ही इक्वल होगा किसके, इनके मीडियन का रेशियो भी। जैसे मान लो मैं कहूं ए बी सी का मीडियन है, ठीक है, ये मान लो ए एक्स है तो ए एक्स मीडियन है, और इसका मान लो ए वाई है तो बी वाई इक्वल होंगे। ऐसे मीडियन यहां पे मीडियन भी हो सकता है, मीडियन का रेशियो भी सेम रहेगा, साइड का रेशियो भी सेम रहेगा, और किसका रेशियो सेम रहता है, मीडियन हो गया, साइड हो गया, एंगल बाइसेक्टर भी सेम रहेंगे। पर ये मत कर देना जैसे ये वाला ए एक्स पी वाई के बराबर होगा, ठीक है, ये नहीं है कि मान लो ये क्यू जेड लगा लो क्यू जेड के बराबर भी हो जाएगा, भाई ए एक्स अपॉन में पी वाई का रेशियो साइड के बराबर होगा, भाई यहाँ पे लिख सकते हैं, पर ये नहीं हो जाएगा क्यू जेड का, मतलब उसी की साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आ जाओ एरिया पे, एरिया का क्या होता है, अगर रूट करेंगे ना एरिया का, मतलब ए बी सी का जो एरिया है का और अपॉन में पी क्यू आर, ठीक है, तो इसका रूट लेना पड़ता है एरिया का। तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ये रेशियो सेम होते हैं ये वाले, ठीक है। चलिए ये खत्म करते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, अब रिप्लाई करो जल्दी से आंसर, अब एक सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए मैं देखता हूँ क्या दे रखा है, 169 और 129 क्या हो गया, इनके एरिया का रेशियो हो गया, और साइड का रेशियो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे, और ऊपर वाली जिसकी साइड दे रखी है लॉन्गेस्ट, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्गर ट्रायंगल, मतलब लार्गर ट्रायंगल कौन सा जिसका एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे लार्गर ट्रायंगल का ही साइड आएगी, और दूसरे ट्रायंगल की साइड पूछ रहा तो एक्स हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 13/11 इक्वल टू 26/x, तो ये 13 पे 2 पे गया और ये x इक्वल टू 22। वैसे एक सेकंड का क्वेश्चन है, सब सीधा सा ये रेशियो लिखना था, 13/11 मन में ही कर सकते थे, 26/x लिखना था, और ये 2 पे कट गया 22 आंसर आ गया, मतलब 5 सेकंड का क्वेश्चन है वैसे तो, पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको पूरा, ताकि आप और भी क्वेश्चन अगर मीडियन वगैरह का रेशियो दे रखा है और साइड का पूछेगा तो आप वहां से कर सकते हो। तो आज इतना ही रखते हैं, और आपको एक चीज और बता दूं, मैं जाने से पहले SSC कॉम्पैक्ट आ रहा है अनअकैडमी पर, यहां पर क्या होगा 26 तारीख को संडे को ही कॉम्पैक्ट होगा, और यहां पे क्वाड एप्टीट्यूड मैराथन होगी, जिसमें क्या होगा 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट दी जाएगी, उसमें आप जीत सकते हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा स्कॉलरशिप, पहले जो रैंकिंग आई वो आप देख सकते हो, आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगी, और रीजनिंग की मैराथन कब होगी, 30 तारीख को, ठीक है। तो आप इनरोल कर सकते हैं, पर इनरोल करने से पहले ध्यान रखें, इनरोल करने के लिए आपको हमारा कोड यूज करना पड़ेगा फ्री में, उमंग UMANG स्टडी STUDY स्टडी, पर ध्यान रखें यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, और ये फ्री में है कॉम्पैक्ट, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको वर्ल्ड लेवल पे पता भी चल जाएगा आपका क्या रैंकिंग चल रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए, चलो अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर दे देते 9560103627, ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, चलो है, ठीक है, और तैयारी करते रहो, चलो बाय, थैंक यू।